आत्मा तो सदैव जन्म मृत्यु से परे ही है, वह तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है। फिर भी स्वाभाविक रूप से मूल प्रश्न सामने आता है कि जन्म मृत्यु किस प्रकार होते हैं, उस समय आत्मा और साथ साथ क्या क्या वस्तुएं होती हैं, उस सभी का क्या होता है, पुनर्जन्म किसका होता है, कैसे होता है। हमारे यहाँ मेरे भांजे की मृत्यु हो गई ब्लड कैंसर से। वो बहुत सेवा भाई, सेवा भावी, उदार, और कि कभी मैंने उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा। वो 22 साल की उम्र में जो है उनका ब्लड कैंसर से, वो भी हाई डिग्री की थी। तो ये कैसे ऐसे होता है कि इतने अच्छे व्यक्ति को भी अचानक इतना बड़ा कष्ट हो जाता है और उसका करुण अंत हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये कर्मों का हिसाब बोला जाता है। आयुष कर्म पूरा हो गया तो भगवान महावीर भी रोक नहीं सकते, कृष्ण भगवान को भी रोक नहीं सका जाता। हिसाब पूरा हुआ तो चल बसते हैं। तो ये इतना ही 22 साल का हिसाब हमारे साथ उसका था। अभी जो बताए व्यवहार का हिसाब, मीठे लड्डू भेजे होंगे तो मीठा आया है, हमने मीठे भेजे थे मिठाई, मगर 22 साल तक था हिसाब, हिसाब पूरा करके चला गया। देह चले जाता है, आत्मा तो दूसरा देह प्राप्त करके इसी संसार में वापस आएगा। भगवान उनकी सदगति ही हुई होगी। हाँ, जरूर ऊंची गति में जाएंगे, क्योंकि सारी जिंदगी सुख शांति में समता में गया है तो ऊंची गति में जाएगा। जी जी। और मृत्यु के बाद आत्मा क्या तुरंत चली जाती है अपने धाम को? हाँ, एक्चुअली लास्ट श्वास जब चालू रहते अंतिम श्वास, तो आत्मा देह से छुटा होके एक पोल इधर रहता है, इलोंगेशन होता है, दूसरा जन्म जहाँ माँ के गर्भ में पहुँचना है वहाँ, और वहाँ गर्भ मिलने के बाद ये देह छोड़ देता है एट ए टाइम, यानी इलास्टिक जैसा लंबा होके दूसरा गर्भ में स्थान पाके छोड़ देता है। तो क्यों जाता है? तो कारण शरीर जो है, कार्मण शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी, कार्मण शरीर एंड प्योर सोल, तो कार्मण शरीर माँ बाप का हिसाब वाला है, वहाँ पहुँच जाता है गर्भ में, और बाद में ये देह स्थूल देह छूट जाता है, कॉजल देह, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड प्योर सोल, और दूसरे गर्भ में पहुँच के कॉजल बॉडी का इफेक्टिव बॉडी में रूपांतर होके गर्भधारण हो जाता है।